अगर आपका कोई ट्रेड सेटअप है जो न्यूज स्पेसिफिक नहीं है, अपने आप में एक ट्रेडिंग सेटअप है जो इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूज है, और उस दिन अगर न्यूज आने से अगर उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है तो हमें वो ट्रेडिंग सेटअप को अवॉइड करना चाहिए। अब जब हम मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, तब मोमेंटम आइडेंटिफाई करते वक्त हम मोमेंटम इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन ही है, बट इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, कि वो एक वैल्यूज आपको बता रहे हैं। मेरा नाम है कौशिक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पिक इंट्राडे स्टॉक्स। अब इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोफेशन है, कि इसमें हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉक इस सेक्टर का आज के दिन मोमेंटम में हमें एक बड़ी मूव देगा। सो इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, एंड बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इंट्राडे और ये स्टॉक स्पेसिफिक जो सिलेक्शन होता है वो अपने आप में इतना टफ है, उसके साथ में वो स्टॉक उस दिन चले वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, विच मेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। सो अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो हमेशा एक लंबे पीरियड से स्टार्ट करना चाहिए, कि पहले आप आपके इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टमेंट ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ, देन यू कम डाउन टू आइडेंटिफाइंग अ गुड पोजिशनल सेटअप, देन अ स्विंग सेटअप, एंड देन एट द लास्ट यू शुड वर्क ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में देर आर 5 मेजर फैक्टर्स विच हेल्प अस फिगर आउट द राइट स्टॉक। सो सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमें वो स्टॉक्स को अवॉइड करना है जो बहुत ज़्यादा इलिक्विड है। इलिक्विड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बाय सेल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता है, वॉल्यूम्स कम होते हैं। स्टॉक्स लाइक दिस विच आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन, RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीक्वेंस ऑफ लाइन्स बनी हुई है और इसमें स्टॉक अपने आप में सर्किट में ओपन होता है और क्लोज होता है। तो ये वाले जो स्टॉक्स हैं, वेयर वी हैव वी शुड अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। द सेकेंड स्टॉक इज MSPL। अगर आप MSPL ये स्टॉक को देखोगे, दिस इज ओनली फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू कम हियर एंड सी कि स्टॉक में कुछ मूवमेंट हो जाता है और उसके बाद फ्लैट हो जाता है, एंड दिस इज अ 15-मिनट चार्ट। अब जब यहाँ पे 15-मिनट का चार्ट फ्लैट हो जाता है, सिर्फ टिक्स आपको दिख रही है, इसका मतलब कि वहां पे ना ही कुछ बाय हुआ, ना ही कुछ सेल हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। सो वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स when इट कम्स टू इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें वोलेटिलिटी चाहिए, प्राइस ऊपर नीचे मूव होना चाहिए विथ लिक्विडिटी, सो दैट वी कैन पार्टिसिपेट लॉन्ग और शॉर्ट एंड वी कैन एग्जिट। हमें एंट्री और एग्जिट में डिफिकल्टी ना हो, इसके लिए हमें लिक्विडिटी चाहिए। सो द बेस्ट केस सॉल्यूशन इज दैट वी स्टिक टू इधर टू काइंड ऑफ baskets, इधर वी स्टिक टू FNO बास्केट, की जो FNO में जो स्टॉक्स हैं वो बाय डिफॉल्ट उसमें लिक्विडिटी होती है, तो हम वो स्टॉक्स में ट्रेड करें, या तो लेट अस स्टिक टू ओनली निफ्टी 100। तो दो बास्केट्स को आप देख सकते हो कि आप, क्योंकि इलिक्विडिटी को हमें अवॉइड करना है, तो वी स्टिक टू इधर FNO बास्केट विच इज अ क्यूरेटेड बास्केट, और वी स्टिक टू निफ्टी 100। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मैक्रो न्यूज। जब भी स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज आती है तो वो स्टॉक वोलेटाइल हो जाता है, और एल्स इफ देर इज अ बिगर न्यूज लाइक बजट और एनी मेजर RBI पॉलिसी, फेड पॉलिसी, तो उस दिन भी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है जो न्यूज बेस्ड है, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करना बेटर है। बट इफ यू डोंट हैव अ ट्रेड सेटअप जो एक न्यूज स्पेसिफिक फ्लो के साथ अगर कुछ फैक्टर होता है, अगर आपका कोई ट्रेड सेटअप है जो न्यूज स्पेसिफिक नहीं है, अपने आप में एक ट्रेडिंग सेटअप है जो इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूज है, और उस दिन अगर न्यूज आने से अगर उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है तो हमें वो ट्रेडिंग सेटअप को अवॉइड करना चाहिए। सो डेज वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट न्यूज इज गोइंग टू कम स्पेसिफिक टू अ सेक्टर, अ स्टॉक, वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग दैट स्टॉक और इन सेक्टर। कुछ चीजें होती है जो हमें पता होती है कि RBI की पॉलिसी है, फेड की पॉलिसी है, बजट डे है, ये चीजें हमें पता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें नहीं पता, ऑल ऑफ द सडन द गवर्नमेंट विल कम एंड इट हैज डिक्लेयर्ड इन द पास्ट कि जितने भी गैम्बलिंग वाले कंपनीज हैं उस पे GST विल बी 28%, तो उस स्टॉक्स को उस दिन बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है या हमें नहीं पता होती है, सो वी कैनॉट डू एनीथिंग, बट वॉट वी कैन डू इज प्लेस अ राइट स्टॉप लॉस। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वी आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द सेक्टर।
अगर एक सेक्टर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, मोमेंटम में है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर के जो काउंटर्स होते हैं, उसके अंदर के जो स्टॉक्स होते हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उतने ही मोमेंटम में मूव कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस दिन या मे बी कुछ स्पेसिफिक दिनों पे वो सेक्टर में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आए। जैसे रिसेंटली PSU स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली आई और कुछ रैली एक एक पर्टिकुलर डेज पे भी आएंगे। कुछ कुछ दिन एक दिन में स्टॉक 5-6% 7% ऊपर थे एक PSU सेक्टर के बास्केट में। सो व्हेन अ सेक्टर हैज अ टेलविंड, इट्स कंपोनेंट्स माइट आल्सो वर्क वेरी वेल। ये वीडियो देखते टाइम आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने सारे चार्ट पैटर्न्स हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम कितने सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स भी हैं। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और इसमें आपको 8+ hours का प्योर लर्निंग कॉन्टेंट भी मिलेगा। जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कोर्स को चेकआउट कीजिए। फोर्थ इज वी शुड आइडेंटिफाई स्टॉक इन मोमेंटम। अब सेक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सेक्टर है जिसको टेलविंड है। इसके बाद अगर हम और नीचे आ जाए और हम स्टॉक स्पेसिफिक चीजों पे जब आइडेंटिफाई करें तब हमें ये देखना है कि वो स्टॉक में मोमेंटम है यानी, उसके साथ में वो स्टॉक रिलेटिवली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है यानी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट विल बी वेरी हाई। अब जब हम मैं मोमेंटम की बात करता हूँ तब मोमेंटम आइडेंटिफाई करते वक्त हम मोमेंटम इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन भी है, प्राइस एक्शन ही है, बट इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है कि वो एक वैल्यूज आपको बता रहे हैं। जब हम मोमेंटम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तब हम ये देख सकते हैं कि अ स्टॉक ट्रेडिंग अबाउ 60 RSI ऑन मंथली वीकली एंड डेली एंड देन यू कैन कम टू 15-minute चार्ट एंड मे बी ट्रेड कंसोलिडेशन और मे बी ट्रेड 3-candle पैटर्न और एन इनगल्फिंग पैटर्न। तो ये सारी चीजें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर अभी मोमेंटम में है, उसके बाद में कौन सा स्टॉक है जो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, उस बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है जो बेंचमार्क हमने लिया है, मे बी निफ्टी 50 और निफ्टी 500 एंड सो ऑन। तो हमने एक बेंचमार्क को अगर एक स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है प्लस साथ में मोमेंटम में है, तो जो भी छोटे टाइम फ्रेम है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स होते हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न फॉर्म होते हैं, वो काफी अच्छे ट्रेड ट्रिगर्स दे सकते हैं। द फिफ्थ पार्ट इज द ट्रेड सेटअप। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान में कुछ चीजें बहुत रूल बेस्ड डिफाइंड होनी चाहिए कि एट व्हाट पॉइंट यू आर एंटरिंग, व्हाट पॉइंट यू आर एग्जिटिंग, विद दैट व्हाट इज योर रिस्क ऑन द टेबल एंड व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। अब इसमें रिवॉर्ड में मैं बता रहा हूं कि रिवॉर्ड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग डज नॉट मीन दैट द रिवॉर्ड यू विल बी एबल टू बुक, क्योंकि हर बार हम कोई ट्रेड सेटअप बनाते हैं जिसमें एक प्रोबेबल होता है कि 1:2, 1:3 का हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमें 1:2, 1:3 मिले। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये बन जाता है कि हमारे पास एक ट्रेलिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम स्टॉप लॉस, एक बार ट्रेड हमारे फेवर में आ जाए तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाए। ये ट्रेलिंग के मैकेनिज्म से हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सॉर्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज ये कि हमें कहाँ पे एंटर करना है और कहां पे एग्जिट करना है, दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू बैक टेस्टिंग कि हमने जो सेटअप बनाया है वो अगर पैटर्न बनता है उसके बाद वो कितनी मूव देता है इन जनरल, व्हाट इज द एवरेज मूव दैट वी कैन कैप्चर। अगर हमें ये आइडिया आ जाता है तो हम एक प्रोबेबल टारगेट बना सकते हैं और प्रोबेबल टारगेट बन जाता है तो फिर हम ये आगे नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं कि अभी हमने ये पॉइंट पे पार्टिसिपेट किया, ये हमारा टारगेट है और वही पैटर्न का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। सो इससे रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है और वो फेवरेबल है विद पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है तो हम वो मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं और हमें ये मॉडल को रिफाइन करते रहना पड़ेगा जब तक एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है। जब तक एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाती और पॉजिटिव से जब तक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल नहीं हो जाता तब तक हमें ये मॉडल को एक्सपेरिमेंट करते हुए बनाना चाहिए। अब इसमें कुछ ट्रेड ट्रिगर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विच आई कैन हेल्प यू विथ व्हेन अ स्टॉक फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्टर इज इन मोमेंटम, विद दैट द सेक्टर इज ऑल्सो इन मोमेंटम, वो स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे सेक्टर और बेंचमार्क को। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम ये कर सकते हैं कि अ स्टॉक ऑन 15 मिनट चार्ट द ट्रेंड इज बुलिश, मतलब प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है या तो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो भी आप ट्रेंड फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उसके बाद आप 3-candle पैटर्न,
टू कैंडल पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो, जिसमें स्टॉप लॉस भी छोटा होगा क्योंकि टू कैंडल पैटर्न है, थ्री कैंडल पैटर्न है तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और फेवरेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मे बी मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न कैन बी ट्रेडेड, इनगल्फिंग पैटर्न कैन बी ट्रेडेड, मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैन बी ट्रेडेड। काफी सारे पैटर्न है जो टू कैंडल थ्री कैंडल पैटर्न है, वो हम प्रोबेबल इसके अराउंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ सिलेक्टिंग द स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग।